हाय, मेरा नाम अलंकृता है और मैंने एक कहानी लिखी है जिसका नाम है मुफ्त की कुल्फी। इस कहानी में कुल्फी तो बहुत है, मगर हमें पता लगाना है कि कितनी कुल्फियां हैं। और ये कहानी जगह लेती है राजस्थान के एक शहर में जिसका नाम है जोधपुर। जोधपुर कहलाया जाता है द ब्लू सिटी ऑफ इंडिया। ब्लू सिटी का मतलब है नीला शहर। नीला क्योंकि वहां के बहुत सारे घर नीले रंग से रंगे होते हैं। और ऐसे ही घर में रहती है भंवरी। दिख रही है आपको भंवरी? तो चलो चले पढ़ते हैं कहानी मुफ्त की कुल्फी। बार बार घड़ी को देखती भंवरी, छत से तकती पैर पटकती, आखिर कब सुनाई देगी कुल्फी काका की घंटी। टन 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 आई आवाज गली से, अपना छोटा बटुआ लिए भंवरी भागी तेजी से। आज क्या लोगी भंवरी बेटी, काका ने धीमी आवाज में पूछा। मम्मी और पापा खाएंगे कुल्फी एक एक, बबलू के लिए एक और। उंगलियां चलाती भंवरी ने फट से जोड़ा, दो और एक हुए तीन, पांच के तीन हो गए 15। नानी कहती है नहीं खाएगी एक हर रोज, मगर रात में चूरी चुपके चाटती दिखती है रोज। काका ने पूछा कितने हुए भंवरी बेटी। भंवरी ने दिमाग पर जोर लगाया, तीन और एक हुए चार, पांच के चार हो गए 20। और अपने लिए, काका ने पूछा हंसकर, मैं तो बिल्कुल भूल गई कुल्फी काका, ये लीजिए 5 कुल्फी के हो गए 25। अचानक एक बड़ा कौवा भंवरी के सिर के ऊपर से उड़ता हुआ आया और उसके हाथ से कुल्फी पंजों में दबाकर फुर से गायब हो गया। भंवरी उदास काका को बोली, बस 25 ही रुपए थे मेरे पास। काका बोले, चिंता मत करो भंवरी बेटा, तुम्हारे लिए एक मुफ्त की कुल्फी। भंवरी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल गई। टन 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 गए कुल्फी का काका दूसरे बच्चों को खिलाने कुल्फी। भंवरी भी खुश, हम भी खुश। आप ये कहानी फिर से पढ़ सकते हैं स्टोरी वीवर पर।